दुबल माजरा और युवा साथी हैं संदीप वैद जी और इनकी घर की पाली हुई ये जो बच्चिया है यहाँ से लंबा सफर तय करके गई और फिर तकरीबन आ, दो तीन महीने यदुवंशी गौशाला में ये रुकी और शक्ति से ये गर्भवती हुई तो शक्ति जो नंदी हैं उसे प्राकृतिक गर्भाधान इस गऊ का हुआ और अभी देखें फर्स्ट टाइमर है उस टाइम छोटी सी बच्चिया हुआ करती थी उधर ले जाएं और अभी जैसे जैसे ब्याट के निकट है उस तरह है, इसका अडर जो है वो विकसित हो रहा है ये देखें आप हाँ और थोड़ा सा ले जाएं आगे ये देखें तो अभी ब्याने में दिन शेष हैं फीच जो है फीच कपड़े की एक छोटी सी जो आ, वो लीर लीर बोलते हैं या फिर वो कहें कातर वो इसके नाते थे। बांधते थे ताकि ब्याने के बाद जो है वो नाना लगवाने में ज़्यादा आनाकानी ना करें तो ये देखें ये जो गऊ है सफ़ेद रंग में और अडर क्वालिटी जो है आगे जो थन होते हैं वो बंदूक की तरह निकालती है हरियाणा नस्ल ये देखें तो वो टिपिकल जो बंदूक की तरह आगे की तरफ नोक किए हुए ये थन है और पिछले जो है वो बिल्कुल नीचे ठीक है एक बार फिर चला करके दिखाएं ये देखें क्योंकि वैद्य जी के पास जो है वो चिकित्सा करवाने के लिए जो लोग हैं वो आते हैं इसलिए समय का इनके पास एक चुनौती है अन्यथा इनके पास एक यहां हाँ पर है और एक वहाँ पर है नीली गऊ तो गांव दुबल धन माजरा में ही कुछ दिन पहले जो वीडियो कवर की गई थी हाँ जी उसी की बेटी है वो उसी की बेटी है अच्छा तो उसकी माँ का क्या कुछ था वो बताए उसकी माँ का उसकी माँ ने छह बार बछड़ियों को जन्म दिया है और कोई भी बछड़ी टोटल तेरह बार हाँ टोटल तेरह बार ब्याई है और छह बार बछड़ियों को दिया है और और जिसमें से चार जो हैं वो क्या नाम है बारह प्लस फर्स्ट टाइमर अच्छा आ चुकी हैं और ये जो आपकी नीली गाय थी इसने ये साढ़े बारह प्लस साढ़े बारह प्लस हाँ जी और ये देखें एक ये है और एक इनके पास ये है ये देखें काफी मासूम एक बार इसके पास आ जाए छोड़ दें उसे खुला छोड़ दें और एक ये है नामकरण क्या कुछ आपने इसका किया है इसका दौड़ा अच्छा दौड़ा नामकरण हाँ, किया दोड़ा। है क्योंकि सफेद रंग है हाँ, सफेद तो ये देखें उस तरफ वो जो गऊ है उसने सर्दी में अपना जो रंग है वो परिवर्तित कर दिया ये देखें और जो सफेद रंग की ये गऊ है इसने ज्यादातर अपना जो रंग है वो बरकरार है। है। ये बिल्कुल सावड़ है शांत है चपेट में आके और जब क्या नाम है दूध से पांच किलो दूध से ड्राई हुई है लंपी के इसके दाने हो गए थे दस दिन तक क्या नाम है इसने कुछ भी नहीं खाया पिया था उसके कारण से अन्य बछड़ी से अलग या केड़ी भेजी थी मैंने केड़ी मदनपुर सरपंच के पास में हरीश सरपंच के पास में वहाँ पे बछड़ी से अलग इसने आठ किलो दूध दिया अच्छा फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इस बार दूसरी बार गर्भवती है दूसरी बार गर्भवती है और ये देखे चेहरे की बनावट हम्प गलकम्बल ना भी, और जो आर्डर तो अभी दिखाना अभी उतना उचित नहीं है क्योंकि ड्राई पीरियड में है और ये देखें एक ये नीली गाय है जिसकी माँ कुछ रोज पहले यहीं से कवर की गई थी वो बिल्कुल सुर्ख सफेद रंग में थी और ये जो है और फर्स्ट टाइमर ने साढ़े बारह अभी कितने महीने की ग्यापिन है ये पांच महीने की ये किससेन करवाई थी ये शक्ति से ये शक्ति से और ये ये भाई साहब जीरो जीरो अच्छा बी एच जीरो जीरो टू ठीक है बाएफ का, बाएफ जो का, है और ये जो है ये है शक्ति शक्ति से, से प्रेग्नेंट और वो जो रा, राजा से थी वो कहा गई राजा से थी वो मैंने अपनी बहन को दे दी बहन को दे दी थी, ठीक है तो, तो टोटल इनके पास पांच गौ थी जिसमें से अब इनके पास तीन ये गौ बची हैं और एक अभी छोटी है बछड़ी वो अंदर है भाई वो अंदर है कौन सी कौन से बुल की बेटी है वो आठ सौ पिचासी की बेटी है तो ये देखे अभी जो है एक बार फिर मैं थन पास है बिल्कुल सटीक गुलाबी लेवटी जो धीरे-धीरे विकसित करती हुई ला रही है वो आप देख सकते हैं और आ, किसी भी तरह का पांचवा छठा ऐसा थन नहीं है सुस्पष्ट चार ही थन है एक बार इधर से मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए तो, ये तो ये किस दिन ज्ञानबिन हुई थी ये 8 तारीख को इसका नौआ महीना जो है वो पूरा हो चुका है भाई साहब अच्छा इस आठ दिसंबर, आठ दिसंबर को आठ दिसंबर को आठ दिसंबर को ये जो दिन ले रही है ये ऊपर हाँ, के, ये। ये के ले रही है भाई साहब ये ऊपर ऊपर ले उपर के ठीक हाँ। है तो तकरीबन तकरीबन इसे बारह तेरह दिन आज ऊपर हो चुकी है ये जो जितनी भी है भाई साहब ये मैंने छोटी छोटी बछड़िया के नाम है जो अच्छे फील्ड में से मिली थी मिली थी जिनको मैं लेके आया और अच्छी तरह से क्या नाम है पालन पोषण करके और समाज के लिए दिखाने के लिए कि देसी गायें भी दूध खूब खूब देती है। देती हैं हैं लेकिन अब कुछ जो चुनौतिया आई हैं तो अभी जो है क्या चुनौती आ रही है अभी ये हैं भाई साहब थोड़ा समय का अभाव है और मेरे पास में ये तीन के नाम है ब्यांगी भाई साहब और एक थोड़ा हा यू है कि मेरे पास में थोड़ी एक टूटी गाय आई हुई है उसकी सेवा में थोड़ा मैं उसको टाइम थोड़ा और ज्यादा दे ठीक है तो देखे गु जो है वो शक्तिग्रस्त है, बीमार है, तो उसकी सेवा यहाँ चल रही है, तो तो अंत में एक बार मैं संपर्क सूत्र जानना चाहूँगा और जो आप जायज कीमत अपनी अच्छी बछड़ी की जो मांगना चाह रहे हैं वो बताएं। संपर्क सूत्र है भाई साहब, चुरान में 166, चुरान में 166, 9424, 9424 और कीमत, कीमत पैंतीस हजार रूपए थाउजेंड रुपीज ये देखें जो गुओ का है वो कहीं न कहीं दुर्भाग्य जो है कि की कीमत जो है वो काफी मामूली है अन्यथा पैंतीस हजार रूपये में कोई और कटड़ी जो है सब, दो, दो दांत दांत है।, है दिखा देगी हाँ। और इसका क्या नाम है 885 से वो भी रिकॉर्ड मेरे पास में है 885 की ये बेटी है भाई खुद बेटी है 800 आहां, 800 आहां। की। की। H 885 की 885 की एच 885 की है 885 एचएलडीबी ब्लड लाइन हां और दो ही दांत है भाई साहब दो ही दांत है हां अभी भी दो ही दांत है बस तो बस दिखा देगी आराम से दिखा देगी थोड़ा हाँ ये आप ये देखें जवेद जी ने बात कही है बिल्कुल उसी के अनुरूप दो दांत हैं, दो दांत एडल्ट वाले हैं और सभी जो हैं वो छोटे बच्चे वाले दांत, ठीक है आठ सौ पिचासी की ये बेटी है राजा से इसका शक्ति से इसका गर्भ धारण करवाया गया था नेचुरल मीटिंग काफी दिन ये यदुवंशी गौशाला में रही थी और फिर ये और उसे लेकर के आए थे इसकी माँ ने सोलह सत्रह लीटर दूध दे रखा है वो, वो से? वो मिलकपुर गांव से मिलकपुर गांव से अच्छा तो ये पूरी इसकी लाइनेज है कि ये खुद किसकी बेटी है फादर साइड क्या थी और इसकी नानी और... जो थी उसने बता रहे थे छेदपाड़ी पुरगांव में इसकी नानी थी है है। वो प्लस की गाय थी और ओल्ड कुछ जो लेवटी है हाँ ये भ्याते 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 भी खार की जो बछड़िया है हाँ, वो, वो भी, भी दिखाएगी भाई साहब वो निकाल और कम से कम भी यूं मान के चलो के पुठा भी तोड़ा नहीं है भाई साहब चार दिन भी ले ले पांच भी ले ले अच्छे तीन भी ले ले चार भी ले लो कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता इसके बारे में हम कुछ नहीं पता ये देखे ये गऊ है हरियाणा में सीखी आठ सौ पिचासी की बेटी जो की लिए उपलब्ध है रहती है गांव है दुग्व जन माता संपर्क दे दिए गए हैं बता दें